सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के समधी और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शिकोहाबाद राम प्रकाश यादव नेहरू समेत 12 के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में सीजेएम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। न्यायालय ने आरोपियों को 25 अप्रैल तक गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश पुलिस को दिए। राम प्रकाश यादव नेहरू पूर्व विधायक हरिओम यादव के बड़े भाई हैं। अब उनका पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुका है। दरअसल पूरा मामला जमीनी विवाद का है। 2004 में थाना लाइन पार्क क्षेत्र के नगला विष्णु के समीप एक 32 फुट जगह को फर्जी तरीके से दो बार बेचने का काम किया गया, जिसमें 14 लोग शामिल थे, जिसमें मुलायम सिंह यादव के समधी राम प्रकाश यादव नेहरू व अन्य लोग थे। वहीं इसको लेकर जगह के मालिक वीरेंद्र कुमार ने 12 सितम्बर 2018 में राम प्रकाश यादव नेहरू अन्य 13 लोगों के खिलाफ थाना लाइन पार मुकदमा दर्ज कराया, जिसकी चार्जशीट 12 सितम्बर 2019 को कोर्ट में दाखिल हुई। यह केस बराबर चलता रहा। राम प्रकाश नेहरू और उनके साथी इस केस को लेकर हाई कोर्ट से स्टे ले आए, लेकिन स्टे का समय निकलने के बाद बादी के वकील प्रवीण यादव ने न्यायालय के सामने यह बात रखी कि नियमानुसार इतना समय निकलने के बाद भी दोषियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो न्यायालय द्वारा इन्हें नोटिस जारी किया गया कि आप आगे क्या कर रहे उसे उच्च न्यायालय प्रस्तुत करे, लेकिन इन सभी लोगों में से कोई भी के खिलाफ एक गैर जमानत वारंट जारी हुआ है, क्या कहना है? हम लोगों को कोई पता नहीं, पुराना मामला है, मतलब और हाई कोर्ट से स्टे चल रहा था, जब हमें कोई जानकारी न कोई सम्मन आए न कोई बात कोई कागज नहीं आया। कैसे पता लगा? आप लोगों ने बताई तो मालूम पड़ी हमको। सर क्या नाम है आपका? प्रवीण यादव, एडवोकेट। प्रवीण जी, आज एक मुलायम सिंह यादव से संबंधी है, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया आया नेहरू राम प्रकाश नेहरू, उनके खिलाफ एक वारंट जारी हुआ है, क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि 2018 में मेरे पक्षकार बीरेन सिंह द्वारा राम प्रकाश और 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें पुलिस द्वारा जांच करने पर इनके खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया न्यायालय में। आरोप पत्र के बाद ये राम प्रकाश यादव और अन्य पक्षकार इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए, वहाँ से स्थगन ले आए। स्थगन पर 6 महीने से अधिक का समय होने पर हमने एक उच्चतम न्यायालय की जो रूलिंग है उसको दाखिल किया। उसमें कहा कि 6 महीने से अधिक का समय हो गया, अग्रिम आदेश लाएं, तो इनके लिए नोटिस जारी किए। नोटिस जारी होने पर ये उपस्थित नहीं हुए न्यायालय में, तो माननीय न्यायालय द्वारा ACM प्रथम द्वारा इनके विरुद्ध वारंट जारी कर दिए गए, जिसमें से मामला क्या था? क्या मामला ये है कि बीरेन सिंह के द्वारा एक श्याम सिंह से ज़मीन खरीदी गई थी और राम प्रकाश यादव और उनके पक्ष के लोगों ने एक फर्जी बैनामा तैयार कराया और तैयार कराने के बाद उसे 2018 में फिर बेच दिया। एक प्रॉपर्टी को दोबारा बेच दिया, प्रॉपर्टी को दोबारा बेच दिया, और जबकि उसके मालकान नहीं थे ये लोग, उनका हक नहीं था। अब क्या? अब ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इनके वारंट है, वारंट भी ये न्यायालय में सरेंडर करेंगे, जेल जाएंगे। कितने लोग? ये 14 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र है, जिसमें 2 लोग जमानत पा चुके हैं हाईकोर्ट से, यहाँ से जमानत खारिज हुई थी सत्र न्यायालय से। अभी किसी की गिरफ्तारी? अभी जो राम सेवक अभी इस समय जेल में विचार बंद है।